अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। डियर व्यूवर्स, कुछ दोस्त कभी पूछते हैं कि जी हमने बहुत से हरबे इस्तेमाल कर लिए, दोस्तों और बड़ों से भी सलाह मशवरे कर लिए, लेकिन मादी बिल्कुल अंडों से बंद हो चुकी है। कोई मेडिसन, कोई फार्मूला उनके ऊपर काम नहीं कर रहा। वीडियो की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है। मंडी से मादा तीतर लेते वक्त एहतियात करें, कहीं आप भी धोखे में ना पड़ जाएं। या अगर आपके साथ ऐसी मादी अभी भी मौजूद है तो बेहतर है ऐसी मादी से तवक्को ना रखें कि वो आपके लिए ब्रीडिंग करेगी। हर मुश्किल का हल मौजूद होता है, लेकिन मैं जिस टाइप की मादी का जिक्र कर रहा हूँ उसका हल अभी तक हमें नज़र नहीं आया। हमने भी बहुत कोशिश की। ऐसे मादियों का अमूमन जो निचला हिस्सा होता है, जहाँ पर वो अंडों के लिए जाला तैयार करता है, मोटा हो जाता है और शहद की छत्ती की तरह नीचे की तरफ लटकती है। ज़ाहिरी निशानी ये होती है कि इसमें अंडा मौजूद है, कुछ दिनों में ये अंडा दे देगी और ये अभी अंडा देने वाली है। ऐसे मादियाँ बराबर क्रॉस भी करती हैं। हर रोज़ वो कुड्डे में अंडे के लिए जगह भी बनाती है, अंडों की आवाज़ भी करती है, लेकिन वो अंडा नहीं देती। ऐसे मादियों के अंडे वाले नली में चर्बी या ट्यूमर नुमा शय पड़ जाती है, जिसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। मुर्गी के शौकीन तो कुछ न कुछ उसके लिए कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतने वसाइल, इतने एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं हैं कि ऑपरेशन के ज़रिए या कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल कर लें कि इनको सिस्टम को ठीक किया जाए। तो कोशिश करें कि ऐसे मादी लेने से गुरेज करें जिसका निचला हिस्सा इस तरह हो जिस तरह मैंने बयान किया है। तो ये थी व्यूवर्स फाल्टी मादी के बारे में कुछ मालूमात जिससे आपको बचना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पसंद की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।